नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू गोइंग का मैथ्स स्टडी बेटा। आज चैप्टर 5 का जो हमारा डिफरेंशिएशन चल रहा है, उसमें हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, यानी आप मेनली सीधे सीधे ऐसे समझ लीजिए, हम चेन रूल को पढ़ रहे हैं भाई। अब किसको? चेन रूल को, यानी आपको कंपोजिट फंक्शंस दिए जाएंगे। अब जब कंपोजिट फंक्शंस दिए जाते हैं तो फिर वो चेन रूल की जरूरत पड़ती है। होता क्या है कि जैसे मैंने कल आपको अपनी वीडियो में बताए थे कि भाई जो बेसिकल फॉर्मूला है एक्स टू द पावर एन साइन पावर साइन एक्स कॉस एक्स सी टू द पावर एक्स, तो यहाँ इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशंस, ठीक है, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की तरफ लेकर के चलता हूँ, वहाँ मैं इन्हें आपको सॉल्व भी करके बताऊँगा और फिर तभी आपकी समझ में चीज़ें क्लियर होंगी बेटा, ठीक है ना। अब जैसे डिफरेंटिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इस फंक्शन को हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है भाई इस फंक्शन का, तो आप कैसे करेंगे? अब आपके पास अगर यहाँ तो भाई होल पावर 4 है, अगर होल पावर 4 नहीं होती तो आप u प्लस v वाला फॉर्मेट लगा देते, हमें d ओवर dx यानी विद रेस्पेक्ट टू x में फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। नजरें आप सभी भैयाओं की स्क्रीन पर हो और कान मेरी आवाज़ पर हो तो चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। देखिए 2x³ + 3x² - x + 5 ^4, ओके। अभी देखिए, अगर ये पूरा ब्रैकेट हम x सपोज कर लें, इस पूरे ब्रैकेट को आप x सपोज कर लीजिए, आप ऐसे करके अंडरलाइन कर सकते हैं, तो ये हमने x सपोज कर लेंगे भाई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी सबका होल पावर 4 को ओपन करना तो पॉसिबल है नहीं, तो हमें क्या कर लेने का है, इस पूरे फंक्शन को हम x सपोज कर लेंगे, तो x टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x³। यहाँ पर x वही यूज करेंगे जिसको आपने यहाँ x सपोज किया है, ठीक है। तो x किसको सपोज किया है हमने, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर की सारी डिजिट्स को, पूरे ब्रैकेट को, तो इस पूरे ब्रैकेट को पहले हम लिख लेंगे, ठीक है ना, 3x² - x + 5 ^3। फिर आपने जिसको x सपोज किया है उसका डेरिवेटिव d ओवर dx, यानी यह एक चेन बन जाएगी, d ओवर dx 2x³ + 3x², ठीक है, +3x² - x + 5, ठीक है बेटा। अब देखिए, तो ये तो टर्म हमारा एज इट इज रहेगा, अब यहां आपको क्या करना है, इसको तो आप एज इट इज लिख लीजिए, 4 2x³ + 3x² -x + 5 ^3। अब इसका डेरिवेटिव निकालिए आप, यहां पर प्रत्येक टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव निकलेगा, तो देखिए 2 तो कांस्टेंट में और x³ का डेरिवेटिव 3x² आ जाएगा, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6x² हो गया, प्लस ऐसे ही 3 × x² का डेरिवेटिव 2x, तो 3 × 2 = 6x, और x का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था बेटा, 1, और 5 का 0 हो गया क्योंकि 5 तो कंप्लीटली कांस्टेंट टर्म है, ये आ गया, ठीक है भाई। अब आप यहाँ सेकंड एग्जांपल समझ लीजिए, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, 1/x का तो डेरिवेटिव मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको 1/x का बताया था, बट यहाँ पर क्या है, 1/x^n, जबकि आपके पास डेरिवेटिव क्या है, x^(n-1) का, तो आपको क्या कर लेने का है, इस पूरे फंक्शन को सबसे पहले आप ऊपर उठा करके लाइए, कहाँ लाएंगे, ऊपर उठा करके लाएंगे, और नहीं तो अगर आपको ध्यान हो तो कल जैसे मैं कल वाली वीडियो में बता रहा था कि 1/x² का निकाल के लाना है,
तो अगर किन्हीं ने देखी हो वो वीडियो, नहीं देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का देखिए मैंने आपको डेरिवेटिव बताया था, डी ओवर डी एक्स, देखिए डी ओवर डी एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर का, मैंने कल आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल उस वाली वीडियो में कराए थे। तो क्या हो जाएगा भैया, ये जो पावर है ये पावर तो ऊपर आ जाएगी नेगेटिव बन करके, यानी माइनस टू अपॉन ये नीचे एक पावर प्लस हो जाएगी एक्स टू दी पावर थ्री। ऐसे ही वन अपॉन एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर, यानी पावर में यह वन प्लस हो जाएगा। ऐसे ही वन अपॉन एक्स की पावर फोर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का फोर अपॉन एक्स की पावर फाइव। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ वन अपॉन एक्स की पावर, इस पूरे ब्रैकेट को मैं एक्स सपोज कर लूंगा, क्या सपोज करूंगा एक्स, तो वन अपॉन एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन। एन के प्लेस पर कौन आ गया, ये पूरा फंक्शन आएगा भाई, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की होल पावर एन प्लस वन, इसकी होल पावर एन प्लस वन, ठीक है ना। अब जिसको आपने x सपोज किया है उसका डेरिवेटिव, तो d ओवर डी एक्स जिसको आपने x सपोज किया है उसको, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए तो माइनस का एन अपॉन ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की होल पावर एन प्लस वन हो गया ये तो भाई, ठीक है। अब इसका आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए, तो ए तो कांस्टेंट में, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स हो गया, तो ये बन गया हमारा टू ए एक्स। बी कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव बना आ गया, तो ये अपना आ गया भाई बी, ये अपना क्या हो गया बेटा बी हो गया। और सी का डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो, सी का हो गया जीरो, दैट इज आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हमें करना है भाई, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी ओवर डी एक्स। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको कल बताया था रूट एक्स का डेरिवेटिव, किन्हीं को ध्यान हो तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव बताया था कि भाई डी ओवर डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है रूट एक्स इक्व टू वन अपॉन टू रूट एक्स, क्या हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है। तो यहां आपको क्या कर लेने का है, इस पूरे फंक्शन को हमने क्या सपोज कर लेने का, एक्स सपोज कर लेने का, क्या सपोज कर लेने का एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, अभी लिखा है ना रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, एक्स आपने जो सपोज किया है वो पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है भैया। अब जिसको आपने एक्स सपोज किया है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करने का ये समझ लीजिएगा जरा, माइनस टू ए बी, ठीक है।
इस क्वेश्चन में ये जो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी है ये तो कांस्टेंट में है, तो ये तो अपॉन में इधर आ जाएगा। केवल आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स का। तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा और टू ए एक्स का टू ए हो जाएगा, एक्स का क्योंकि वन हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हमने यूज किया है और उसका फर्स्ट वाला पार्ट है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड और सेकेंड एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो हमने आपको डेरिवेटिव किसका बताया था भैया, टेन एक्स का डेरिवेटिव आपको हम बताए थे कि भाई टेन एक्स का डेरिवेटिव अपने पास होता है। तो किसी को पता हो तो जरा बताइए भैया, कोई भैया, एक भैया कमेंट बॉक्स में डालिए जरा, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए जरा भाई, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, ओके। तो सेक स्क्वायर एक्स एंड एट द प्लेस ऑफ एक्स वी सपोज टू एक्स प्लस थ्री, हमने क्या सपोज किया था टू एक्स प्लस थ्री, फिर आपने जिसको एक्स सपोज किया है उसका डेरिवेटिव, ठीक है, डी ओवर डी एक्स टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है ना, डी ओवर डी एक्स टू एक्स प्लस थ्री, ओके भैया। अब आपको क्या कर लेने का है, तो ये तो टर्म एज इट इज रहेगा, यहाँ आप इसको लिख लीजिएगा, बस आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हमने क्या बताया था, ए आ जाता है ओनली, ए का मतलब यहाँ पर कौन है टू है, तो टू आ जाएगा और ये पूरा फंक्शन एज इट इज, तो यानी ये बन जाएगा हमारा टू सेक स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है भैया, क्लियर हो गया। अब ऐसे ही आप इसको कर लेंगे भाई, सेकंड वाले को भी आप खुद ब खुद कर लेंगे, सेकंड वाले को कॉस साइन एक्स यानी डी ओवर डी एक्स। चलिए मैं एक और बता देता हूँ हल्का सा, तो आपको क्या करना है, यह साइन एक्स को एक्स सपोज कर लेंगे, तो साइन एक्स को आपने एक्स सपोज कर लिया तो क्या बन गया, ये कॉस एक्स बन गया, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और x के प्लेस पर कौन यूज किए हैं हम, साइन x को यूज किए हैं, और जिसको आपने x सपोज किए हैं उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे भाई, d ओवर डी एक्स साइन एक्स, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, और साइन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, और ये अपनी जगह एज इट इज रहेगा ही रहेगा, ठीक है भैया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड एग्जाम्पल सेकेंड वाले का थर्ड पार्ट, सेकेंड एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट, मतलब पूरा वही चेन रूल का यूज करना। आपके पास मेन डेरिवेटिव किसका है, sec x का, तो अब आपको x किसको सपोज करना पड़ेगा, इस पूरे फंक्शन को x सपोज करना पड़ेगा। तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है भैया, समझ लीजिए sec x, और x के प्लेस पर आएगा कौन, ये जो आपने x सपोज किया है यानी tan root x, तो sec x इंटू टेन एक्स इंटू टेन एक्स, तो टेन और एक्स के प्लेस पर कौन है, टेन रूट एक्स है, एक्स के प्लेस पर टेन रूट एक्स, ठीक है ना, तो टेन रूट एक्स। फिर आपने जिसको एक्स सपोज किया है उसका डेरिवेटिव, जिसको आपने एक्स सपोज किया है उसका डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स टेन रूट एक्स, डी ओवर डी एक्स टेन रूट एक्स, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, रूट एक्स को एक्स सपोज कर लेंगे, रूट एक्स को एक्स, तो यहाँ आप टेन एक्स का डेरिवेटिव निकाल देंगे, फिर रूट एक्स को एक्स सपोज करोगे तो रूट एक्स का भी डेरिवेटिव, ठीक है भाई। ऐसे करके आप इसको पूरा यहाँ से आगे क्लियर कर लेंगे। देखिए हमारी जो क्लास है उसमें हम केवल क्वेश्चन सॉल्यूशन करना ही नहीं बेटा, आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। आप अपने पास कॉपी पेन लेकर के बैठिए, आपकी पेन जब आप कॉपी पेन से अपनी कॉपी पर लिखोगे पेन से, तो आपकी स्पीड मुझसे ज़्यादा निकल करके आएगी, क्योंकि मुझे ये इसका पेन यूज करना पड़ता है, ठीक है ना, यहाँ आसानी से वहाँ आप यूज कर सकते हो और मुझसे फास्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेटर प्रोसेस क्या है कि आप मुझसे पहले इसका आंसर निकाल लें भाई। अब देखिए यहाँ हमारे दो फंक्शन हो गए, कॉस एक्स क्यू और साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव, जिसको मैंने आपको क्या बताया था, साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव को हम क्या लिख लेंगे भाई, साइन स्क्वायर एक्स जहाँ लगा हुआ होगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को हम किस फॉर्मेट में लिख लेंगे भैया,
इसका होल पावर स्क्वेयर लिख देंगे। अब ये हमारा, इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, u इंटू वी, क्या लगा देंगे, u इंटू वी, इसको मैं करा देता हूँ। तो u इंटू वी में क्या होता है हमारा u, क्योंकि इसमें चेन भी लग रही है और प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, ठीक है ना। तो u d ओवर dx v, मैं पूरा लिख करके इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा, d ओवर dx v, और v अपना क्या है, साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस v। अब यहां आपको इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, तो आप इसको इसी के ओरिजिनल फॉर्मेट में लिख सकती हैं, ठीक है, d ओवर dx, d ओवर dx cos x cube, d ओवर dx cos x cube। तो चलिए देखिए, ये तो हमारा एज इट इज आ गया cos x cube, ठीक है। यहां इस पूरे फंक्शन को हम x सपोज कर लेंगे, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा। x के प्लेस पर कौन आया अपना, साइन x की पावर 5। फिर आपने जिसको x सपोज किया था उसका डेरिवेटिव d ओवर dx साइन x टू द पावर 5, d ओवर dx साइन x टू द पावर 5 इसका डेरिवेटिव, प्लस ये तो फंक्शन एज इट इज, ठीक है, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। अब यहाँ आप cos x की को डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या करोगे, इस x क्यू को x सपोज कर लेंगे, तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब फिर आपने जिसको x सपोज किया है उसका डेरिवेटिव, तो x क्यू का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा भैया, 3x स्क्वायर आ जाएगा x का डेरिवेटिव, ठीक है ना। ऐसे ही आप यहाँ इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, दैट इज द आंसर, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड वाले एग्जांपल का फिफ्थ पार्ट, एग्जांपल नंबर सेकंड का पार्ट फिफ्थ, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो इस पूरे ब्रैकेट को आप एक्स सपोज करेंगे भाई, पहली फर्स्ट कंडीशन में, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, और एक्स के प्लेस पर ये पूरा ब्रैकेट यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपने इस पूरे ब्रैकेट को सपोज किया है, तो उसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट में क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करना है आपको, a cos x प्लस b sin x का आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए, a cos x प्लस b sin x का, तो a तो कांस्टेंट में और cos x का माइनस sin x, b कांस्टेंट में sin x का cos x, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए एग्जांपल नंबर थर्ड, मैं समझ रहा हूँ इसको अभी आप आसानी से कर सकते हैं, एक बार समझ लीजिएगा, एक एग्जांपल को मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए d ओवर डी एक्स समझा देता हूँ, मतलब करने का मतलब है आपको समझा देता हूँ भाई, d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स की होल पावर 4, तो यानी इस पूरे ब्रैकेट को आप x सपोज कर लेंगे, तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव हो गया हमारा 4x क्यू, x का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इस पूरे का होल क्यू, है ना। फिर आपने जिसको x सपोज किया है उसका डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ठीक है भाई। तो 4 और ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का होल क्यू, ठीक है। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या निकाल लेंगे भैया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया जी 2x,
और कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ गया जी माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, दैट इज आंसर। अब आप ऐसे ही इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे भाई सेकंड वाले का, एग्जांपल नंबर थर्ड का सेकंड, साइन इस पूरे फंक्शन को एक्स सपोज कर लेंगे, फिर जब कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर को मतलब डबल चिन्ह लगेगी, ठीक है। अब यहाँ चलिएगा आप, इसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एक्स, इसका समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये u यानी एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन हो गया, साइन वन अपॉन एक्स ये पूरा एक अलग फंक्शन हो गया, तो u इंटू वी लगाएंगे भाई, क्या लगाएंगे बेटा, u इंटू वी। तो देखिए u, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, डी ओवर डी एक्स नहीं लिखूंगा, जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो यहाँ वन अपॉन एक्स को एक्स सपोज करना पड़ेगा, बिकॉज अपने पास में केवल साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भैया, कॉस एक्स, यानी एक्स के प्लेस पर कौन आएगा, वन अपॉन एक्स, और फिर आपने जिसको एक्स सपोज किया है उसका भी डेरिवेटिव, तो वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कौन आएगा, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मैंने कल ही बता दिया था कि वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आपको याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब प्लस वी, वी के प्लेस पर पूरा ये साइन वन अपॉन एक्स है, साइन वन अपॉन एक्स, और यू का डेरिवेटिव, यू बोले तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स, ठीक है। क्लियर होगी भैया, अच्छी है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जैसे वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ इसके एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन इस एक्स से ये नहीं कटेगा, बिकॉज ये एंगल के साथ में वन अपॉन एक्स है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस वन अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा टू एक्स साइन वन अपॉन एक्स, टू एक्स साइन वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसका समझ लीजिए भाई, फोर्थ वाले पार्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, स्क्वायर रूट, पहले पूरे फंक्शन पर रूट है तो आपको इस पूरे फंक्शन को रूट सपोज करना पड़ेगा, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बताया था, वन अपॉन टू स्क्वायर रूट एक्स, और स्क्वायर रूट में कौन आ गया, ये पूरा साइन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, साइन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने जिसको एक्स सपोज किया है उसका डेरिवेटिव, तो आपने एक्स किसको सपोज किया है, साइन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को, साइन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को, इसमें बहुत चेन लगने वाली है अभी, ठीक है, वन प्लस एक्स स्क्वायर को। अब आपके पास डेरिवेटिव काय का है भैया, साइन एक्स का, तो आप इसको एक्स सपोज कर लोगे, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा, यहाँ आप इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये तो पूरा एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यानी वन प्लस एक्स स्क्वायर, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर आपने जिसको एक्स सपोज किया है उसका डेरिवेटिव, आपने एक्स किसको सपोज किया है, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को, किसको, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक है, स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को आपने सपोज किया था, ओके। तो अब आपके पास डेरिवेटिव क्या क्या है भाई, रूट एक्स का, तो यहाँ पे इस पूरे को एक्स सपोज कर लेंगे, तो अब आपका देखिए ये एज इट इज आ जाएगा, यहाँ ये एज इट इज आ जाएगा आपका यहाँ, और रूट एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा जी वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स, और एक्स की वैल्यू का मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने जिसको एक्स सपोज किया है उसका डेरिवेटिव, अब वन प्लस एक्स स्क्वायर का आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो वन का डेरिवेटिव तो जीरो आ गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स आ गया, कितना आ गया जी, टू एक्स। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इस वाले टू से इस टू को काट सकते हो, ये दोनों टर्म एज इट इज, और दैट इज द आंसर, ठीक है भैया। ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, जिससे कि आज जो यहाँ पर कंडीशंस कराई है, जो क्वेश्चंस कराए हैं, उनको आप आसानी से यहाँ कर सकें,
उनको आप आसानी से यहाँ पर कर सकें भैया डेरिवेटिव्स को, ठीक है। ये इतने सारे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, कर लेंगे तो अच्छी बात, नहीं कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात। देखिए यहाँ तक हो गए थे क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कर लेंगे तो अपने लिए करेंगे, नहीं करेंगे तो भी अपने लिए करेंगे। धन्यवाद सभी भैया।